वेलकम, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन कुकिंग विद फतो। जी आज मैं छोटी सी रेसिपी बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम आज बना रहे हैं जी स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो स्ट्रॉबेरी को हम सबसे पहले वॉश कर लेंगे। ये देखिए स्ट्रॉबेरी ना देखने में लगती है कि साफ़ सुथरी है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से पानी के अंदर ऐड करेंगे ना तो नीचे ना रेत वगैरह मिट्टी वगैरह सारी बैठ जाएगी। इस तरह से आपने स्ट्रॉबेरी को ना खुले पानी में डाल के वॉश करना है ताकि इसकी सारी ये रेत और मिट्टी अच्छी तरह से उतर जाए और बैठ जाए। अच्छा जी, साथ ही मैं बना रही थी ये आलू के मैंने चिप्स बनाए हैं, इसके ऊपर बेसन लगा के ना, तो ये मैंने बनाए हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम था और मैं इफ्तारी के लिए ये ड्रिंक बना रही थी। तो बाकी सारी इफ्तार मैंने आपसे शेयर नहीं की, तो मैंने सोचा कि बस एक छोटी सी ड्रिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता कि ज़्यादा शूट की जाए वीडियो, इसलिए ना इफ्तार टाइम एक तो गैस का मसला होता है, गैस चली जाती है, इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। इसीलिए मैं कोई एक आध ऐसी होती है रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, फिर हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद ये जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर इसके सब्ज़ वाले पत्ते लगे होते हैं ना, इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। सारी बातें सबको पता है किस तरह से कट करना है, लेकिन आपको पता है कि मैं ये बच्चियों के लिए, जो बच्चियाँ नहीं जानती बिल्कुल भी कि किस तरह से हमें काम का स्टार्ट करना है, तो ये मैं उनके लिए बता रही होती हूँ किस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे। अच्छा, फिर क्या करना है कि हमने एक ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर जग के अंदर सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी ऐड करूँगी, फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। हाफ कप चीनी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, तकरीबन ये मैं 8 ग्लास बना रही हूँ जूस, स्ट्रॉबेरी जूस है ये। और इसके अंदर अब मैंने चीनी ऐड की है, चीनी के साथ हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और बस इसमें पानी डाल के इसको हम कर लेंगे ब्लेंड अच्छा सा। अच्छा, पुराने ज़माने के लोग ना इतने ज़्यादा मासूम हुआ करते थे ना। एक बार हमारे घर एक आंटी आई, बहुत ही बुज़ुर्ग थी, उन्हें हमने ये स्ट्रॉबेरी का जब जूस पिलाया ना तो उन्हें पता ही नहीं चला कि स्ट्रॉबेरी, पता पुराने ज़माने में स्ट्रॉबेरी नहीं होती थी ना। अभी ये कुछ अर्सा हुआ है स्ट्रॉबेरी आई है, तो बहुत ही पुरानी वो थी, तकरीबन 80 साल की तो होंगी वो, 90 साल की जो खातून हमारे घर आई थी। तो हमने जब उन्हें स्ट्रॉबेरी का जूस ही पिलाया ना, तो हमने उन्हें बताया, वो कहती कि ये बड़ा मज़े का है, तो ये कौन सा जूस है। हमने उन्हें बताया कि ये स्ट्रॉबेरी का जूस है। वो कहती हैं अच्छा आप लोग ऐसे करो कि मुझे ना इसकी गुठलियाँ जो है ना वो निकाल के दे दो, मैं अपनी बहू को भी दिखाऊंगी तो वो मुझे बना के देती है। तो हमने कह रहे थे कि नहीं इसकी गुठलियाँ होती नहीं है, और वो कह रही थी नहीं नहीं मुझे आप लोग गुठलियाँ दे दो। बस इसी बहस में ना उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि स्ट्रॉबेरी किस तरह की होती है, और हमारे घर और है भी नहीं थी जो मैं उसको उन्हें दिखा देती कि जी ये इस तरह की होती है। बस बुज़ुर्ग जो होते हैं ना वो इस तरह ही मासूम होते हैं, और हमें ना बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए। अच्छा जी, चलें जी, हमारा जो स्ट्रॉबेरी जूस है ना वो बनके रेडी हो गया था। ये देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त था और बड़ा ही इजी सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर ले। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।